CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम तंतुवायः कविः। पुराने समय की बात है, मध्य भारत में धारा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के राजा महाराज भोज होते थे। महाराज भोज के दरबार में हमेशा विद्वानों पंडितों का दरबार लगा करता था। महाराज भोज को कविता करना बहुत अच्छा लगता था। वो कविता सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ करते थे। एक एक शब्द पर लक्ष लक्ष रुपए दिया करते थे। एक दिन उनके दरबार में द्वारपाल आकर बोला, जयतु देव द्राविड़ देशीय लक्ष्मीधर नामा कश्चित् विद्वान् देवस्य दर्शनार्थं द्वारदेशे वर्तते। अयि द्वारपाल सादरं प्रवेशय। यथा आदिशति देवः। इस तरह आदेश प्राप्त कर द्वारपाल बाहर जाता है और लक्ष्मीधर को साथ में लाकर महाराज के सम्मुख उपस्थित करता है। तब लक्ष्मीधर बोला, राजन अभिवादये हम दिनकर दीप्तिरिव भवतः कीर्तिः सर्वत्र प्रसरतु विभवाः सौख्यानि च वर्धन्ताम् विद्यासु भवतोनुरागः सततमेधताम्। अनुगृहीतोऽस्मि भगवन्, कुतस्ते आगमनम्? राजन् सजलं सरः वीक्ष्य दूरतोऽपि पक्षिणः स्वयमेव आयान्ति। भवतः विद्यानुरागं दानशीलतां च आकर्ण्य समागतोऽस्मि। भवतः राज्ये निवसितुमिच्छामि। अनुगृहीतोऽस्मि मम एतत् सौभाग्यं यत् भवादृशः विद्वान् कविः मम पण्डितपरिषदं विभूषयेत्। मन्त्रिन् नगरपालम् आदिशतु यत् स राज्ये विदुषे लक्ष्मीधराय निवासव्यवस्थां कुर्यात्। यथा आज्ञा अपयति देवः। एवं विधेयं यत् नगरे निवसन्तम् अल्पज्ञं जनं निःसार्य तस्यैव गृहे एष पण्डितवरः वासयितव्यः। यथादिशति देवः। भो नगरपाल, त्वं भूयोऽपि नगरं गच्छ। यः नागरिकः काव्यं कर्तुं न जानाति तं नगरात् बहिष्कृत्य तस्य गृहे पण्डितं निवासय। यथा आज्ञापयति राजन्। राजा से आदेश प्राप्त कर नगरपाल राजसभा से बाहर निकल जाता है और नगर में घूमते घूमते एक जुलाहे के पास पहुंचकर बोला, भो किम करोसि त्वम्? अहम् तंतून वयामि। आम, तस्मादेव अपठितोसि। महाशय, तंतु आयोहम्, मम ज्ञानम् तु अल्पमेव। एषः अल्पविद्योस्ति, अतः काव्यरचनां न जानीयात्। एनमेव राज्ञः समक्षम् उपस्थापयिष्यामि। तर्हि मया सह राजभवनम् आगच्छ। महाशय, कथय, को मे दोषः? राजसभायां ज्ञास्यसि। अस्तु, गच्छावः। जुलाहे को लेकर नगरपाल राजसभा में पहुंचा और राजा से बोला, विजयताम देवः। किं वृत्तम्? अयम् तंतुवायः अल्पविद्योस्ति।
भो कथय कस्त्वम्? महाराज तन्तुवायोहम्। किं ते कार्यम्? किं काव्यं कर्तुं जानासि? महाराज तन्तुवयनं मम कार्यं, तेनैव जीविकां निर्वहामि। कथं वा महाकवितुल्यं काव्यं रचयेयम्? तर्हि राजकोषाद् धनं गृहीत्वा अन्यत्र गत्वा निवस। मम राज्ये अकवीनां अविद्यानां च स्थानं नास्ति। भो किं करोसि त्वम्? महाराज काव्यं करोमि, नहि चारुतरं करोमि। यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि। सुन्दरं तन्तुवायो सस्वरं गायतु। यथा ज्ञापयति महाराज। काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि। भूपाल मौलिमणि मंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। महदाश्चर्यम्। साधु कीदृशी ललिता पदयोजना, कवयामि वयामि यामि। सुन्दरम् अतिसुन्दरम्। धन्योऽसि त्वं, धन्यश्चाहं, यत् भवादृशः तन्तुवायोऽपि मम राज्ये निवसति। आपने सुना कि खोजने पर भी महाराज भोज के राज्य में एक भी अनपढ़ अज्ञानी नहीं मिला। एक जुलाहा मिला जो कपड़ा बुनने का काम करता था, वो भी महान कवि था। तंतुवायः कविः, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, धनश्री और गिरीश। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।